बिहार की सियासत में फिर आया भूचाल। लोकसभा चुनाव से पहले फिर खेलने लगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के मिजाज बदले बदले लग रहे हैं। क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? गठबंधन से तोड़ेंगे नाता, चुनेंगे बीजेपी का पाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नीतीश कुमार हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उनको लेकर जैसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी डरे रहते हैं कि वो अगली पलटी कौन सी और क्या मारने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देखिए नीतीश कुमार के मिजाज फिर बदले बदले नजर आने लगे हैं। लगता है जैसे जैसे फिर एक बार फिर नीतीश कुमार अपने साथियों को छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ने वाले हैं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनाब के बदले हुए मिजाज तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार का पलटी मारने वाला दावा प्रबल हो रहा है। कैबिनेट मीटिंग, गुरुवार को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक महज 15 मिनट में खत्म कर दी। कैबिनेट मीटिंग के बाद रूटीन प्रेस ब्रीफ को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद सीएम आवास पर पार्टी के सीनियर नेताओं को बुला लिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सीएम आवास और राजभवन के पास पत्रकारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राहुल की यात्रा से परहेज, अभी गहमा गहमी चल रही थी कि एक खबर ये उड़ गई कि पूर्णिया में आयोजित राहुल गांधी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार शिरकत नहीं करेंगे। इस खबर के फैलने के बाद कांग्रेस नेताओं को मानो समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। बताया गया कि 30 जनवरी को ही नीतीश कुमार किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस वजह से वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। लालू यादव की बेटी का ट्वीट, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी फिर फेम में आ गई, क्योंकि उन्होंने बिहार का माहौल देख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की झड़ी लगा दी। रोहिणी आचार्य ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक और ट्वीट में लिखा, खींच जताए क्या होगा, जब हुआ ना कोई बना योग्य विधि का विधान, कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। रोहिणी आचार्य ने फिर एक और ट्वीट किया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये जो रोहिणी ने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि रोहिणी आचार्य यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हैं। रोहिणी आचार्य ने 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक ट्वीट कर दिए। हालांकि कुछ देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी कर दिए गए, लेकिन तब तक तो सियासी बवाल मच चुका था और नीतीश कुमार आग बबूला भी हो चुके थे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट का प्रिंट मंगवाया। जेडीयू ने बिहार की हलचल को अफवाह बताया, इतना कुछ एक दिन में ही हो रहा था, लेकिन इस बीच राबड़ी आवास पर कोई खास हलचल नहीं दिखी। हालांकि देर शाम शक्ति यादव और शिवचंद राम जरूर राबड़ी आवास आए। कुछ देर बाद शक्ति यादव बाहर निकले तो पत्रकारों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ठीक से चलने का दावा किया और कह दिया कि सब कुछ एक अफवाह है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोनों में शक्ति यादव भी जानते हैं कि बिहार की अशांति अफवाह नहीं है। दिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना सकते जी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की मीटिंग, बिहार में ये सब कुछ चल रहा था,
इसी बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को पार्टी की ओर से दिल्ली बुला लिया गया। बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी का भी नीतीश कुमार को लेकर टोन थोड़ा डाउन दिखा, पार्टी के फैसलों को स्वीकार करने की बात करने लगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े को चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया गया। अमित शाह के साथ मीटिंग की चर्चा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग करीब 95 मिनट तक चली। अब शायद नीतीश कुमार को दिल्ली से ही फैसले का इंतजार है। लग रहा है कि जैसे फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। ये वही हैं जो पिछले 9 साल में 3 बार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में फिर एक बार फिर अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बिहार की राजनीति के तो एक ही पलटूराम कहे जाते हैं, वो है नीतीश कुमार। वैसे ये विवाद तब से शुरू हुआ लग रहा है जब इधर मोदी सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया और उधर नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर परिवारवाद पर बड़ा हमला बोल दिया। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ भी की, उनका आभार भी जताया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि डैमेज कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सच होने वाले हैं? वैसे आपको क्या है लगता, क्या आप सोचते हैं बिहार में क्या बदलने वाला है? बिहार में कौन सा नया भूचाल आने वाला है? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।